हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट नंबर 7 आ गई है और ये आपकी 9 अगस्त की वर्कशीट है, मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7। तो आपको वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है और स्टूडेंट का नाम, आपके क्लास टीचर का नाम और आपका सेक्शन कि ए सेक्शन है या फिर बी। उसके बाद में आपको वर्कशीट करना स्टार्ट करना है। ओके बच्चों, तो देखिए आज की वर्कशीट में आपको किसके बारे में बताया गया, पूर्णांकों का विभाजन। जो आपको पूर्णांक, जो इंटीजर दिए गए हैं, उनका हम डिवीजन कैसे करते हैं। तो देखिए, पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित कुछ संक्रिया या ऑपरेशन होती है, तो उसके बारे में आज की हम वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको, तो पूर्णांकों पर विभाजन की जो संक्रियाएं हैं उसमें फर्स्ट है आपकी डिवीजन। तो सबसे पहले आप देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं बेटा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक के जितने भी नंबर दिए गए हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर इंटीजर या पूर्णांक होते हैं। जैसे माइनस 100 या फिर माइनस 50, जितनी भी संख्या माइनस में और प्लस में आपको दी गई है और वो क्या हो, एक इंटीजर हो, तो वो सभी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक के नंबर सारे पूर्णांक होंगे। ओके, अब देखिए पूर्णांकों पर संक्रिया विभाजन के रूप में संगत विभाजन कथन। आपको क्या दिया गया है, संगत विभाजन कथन। देखिए आपको जो फर्स्ट इसमें दिया गया है कि माइनस 15 में जब आप भाग करते हो माइनस 5 का तो कितना आएगा। देखिए माइनस 15 में जब हम माइनस 5 से भाग देते हैं तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा। उसके बाद में आप 15 में जब 5 से भाग करते हैं तो क्या आएगा बच्चे, 3। तो माइनस 15 में माइनस 5 से भाग देने पर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका क्या हो गया, 3। जब आप 77 या 77 में माइनस 11 से भाग करते हो तो कितना आएगा, माइनस 7 आएगा। अब कैसे आएगा, देखिए 77 में आपने किससे भाग किया, माइनस 11 से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 11 से हम 77 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 अपॉन माइनस 1। तो माइनस 1 से 7 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, माइनस 7। कितना आएगा बच्चे, माइनस 7। तो इसका क्या आंसर हो गया, माइनस 7। तो देखिए माइनस 7, जब आप 24 या 24 में 4 से डिवाइड या भाग करते हो तो क्या आएगा, 24 में हम जब 4 से भाग देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 छक्की 24, कितना आंसर आएगा, 6। तो ये तो हो गई आपकी डिवीजन या विभाजन से संबंधित ऑपरेशन या संक्रियाएं। अब देखिए आपको गुणन या गुणा से संबंधित संक्रियाएं क्या होती है। गुणा से संबंधित संक्रियाएं होती है 3 × −5। तो 5 × 3 करेंगे तो 15, और इसमें एक क्या है, माइनस। तो माइनस से जब माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 15। जब 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 × 24। ओके बच्चों, अब देखिए आपको सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, −7 × −11 है, तो दोनों में माइनस माइनस है। जब माइनस को गुणा हम माइनस से करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 × जब हम 11 करते हैं तो 11 × 7 = 77। तो प्लस का 77 क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको इसमें क्वेश्चन नंबर, आप ही देखिए, आपको संगत विभाजन कथन का प्रूफ दिया गया है नीचे कि आपने यहाँ पर क्या दिया, क्या किया था, माइनस 15 में माइनस 5 से भाग दिया था तो कितना आया था, 3 आया था। आया था या नहीं आया था, आया था। जब हम 3 से माइनस 15 में भाग देते हैं तो क्या आएगा, माइनस के 5। कितना आएगा, माइनस 5। ओके, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। अब देखिए इसमें जब 77 में हम माइनस 7 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, माइनस 11। कितना आएगा बच्चों, माइनस 11।
अब आपको दिया गया है सेकंड थर्ड कथन, 24 में हम 6 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 4, तो 6 चौके 24। ओके, अब देखिए आपको आपको दिया गया है कि विभाजन का जस्ट उल्टा संक्रिया क्या है, गुणा। विभाजन की जस्ट उल्टी संक्रिया क्या है, गुणा। जैसा कि हमने यहाँ पर ये आपका विभाजन था और ये आपका जस्ट इसके अपोजिट ऑपरेशन या संक्रिया है। अब देखिए आपको क्या दिया गया, विभाजन का उल्टा संक्रिया है गुणा। आइए याद करें, जब ऋणात्मक संख्याओं की संख्या क्या हो, विषम हो, तब उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तब उत्तर क्या आएगा बच्चों, ऋणात्मक आएगा। जैसे आपको इसमें दिया गया है कि प्लस में जब माइनस से भाग करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस में जब माइनस से भाग करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब माइनस में माइनस से भाग करते हैं तो क्या आएगा, माइनस में, देखिए माइनस में माइनस से भाग करते हैं तो माइनस से माइनस कट गया है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर इस माइनस में जब माइनस से भाग किया तो प्लस आया, फिर जब प्लस में माइनस से भाग किया, जब इस प्लस में इस माइनस से भाग किया तो क्या आएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसलिए इसका क्या आंसर आ गया, माइनस। ओके बच्चों, अब देखिए आपको आपको एक पॉइंट ये दिया गया था, दूसरा पॉइंट है आइए याद करेगा कि जब ऋणात्मक संख्याओं की संख्या सम हो, ऋणात्मक संख्याओं की संख्या क्या हो, सम हो, कि माइनस में जब हम माइनस से भाग करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। जब माइनस में माइनस से भाग करते हैं तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और जब प्लस में माइनस से भाग करते तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके बच्चों, ये आपकी क्या हो गई, कुछ संक्रियाएं हो गई। अब इन संक्रियाओं के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आपको इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन करना है, देखिए आपको क्वेश्चन 5 दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। कितने क्वेश्चन दिए गए, 5 क्वेश्चन दिए गए। अब इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आप एक आपको कहाँ दिया गया, 500 क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि यदि उपरोक्त त्रिभुज की समस्याओं को हल कीजिए और प्रत्येक ब्लॉक को सही उत्तर के आधार पर रंगना है। कैसे रंगना है, यदि आपका 5 उत्तर आएगा तो आपको कैसा रंग से रंगना है, ब्लॉक को पीले रंग से रंगना है। कैसे रंग से रंगना है, पीले रंग से। कैसे रंग से रंगना है, पीले रंग से। यदि -5 आएगा तो लाल रंग से रंगना है, यदि 41 आएगा तो नीले रंग से, और यदि -41 आएगा तो लाल रंग से रंगना है। यदि 10 आंसर आएगा तो नारंगी रंग से, और -10 आएगा तो गुलाबी रंग से। ऐसे ही -4 आने पर बैंगनी रंग से, और 4 आंसर आने पर भूरे रंग से उस ब्लॉक को क्या करना है, रंगना है। अब देखिए आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक है आपका, जैसे देखिए इस डिकोड के आधार पर ही आपको करना है। अब देखिए 125 में जब हम 125 में जब हम 25 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 125 में हम जब 25 से भाग करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 5। अब आपको क्या करना है, सभी बच्चों को पहले तो ये चित्र बनाना है। इस चित्र बनाने के बाद में सेम टू सेम उतारना है, फर्स्ट ब्लॉक बनाना है। क्या करना है, जैसे आपने चित्र बनाया उसमें फर्स्ट ब्लॉक डाल दिया ऊपर का, फिर सेकंड ब्लॉक डाल दिया इस, फिर आपने जो थर्ड ब्लॉक बनाओगे तो उसको इस तरीके से बनाओगे। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड ब्लॉक यहाँ पर हो गया, ये 4 और 5, 5 ब्लॉक हो गया आपका। अब क्या करना है, एस बिल्कुल इस तरीके से चित्र बनाने के बाद में आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 125 में हम 5 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 125 में जब 5 से भाग करते हैं तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। अब देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी ई एफ जी एच में आपको देखना है कि 5 किस में आ रहा है, 5 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। और ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रहा है, -5। तो आपका आंसर क्या आया था, 125 में जब आपने 5 से भाग किया था तो 5 आया था। तो 5 आया तो ब्लॉक ए के अनुसार हमें रंगना है। तो 5 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में कैसे रंग से रंगना है, ब्लॉक को पीले रंग से रंगना है।
कैसे रंग से रंगना है, पीले रंग से। अब देखिए हमने पीला रंग चॉइस किया तो इस ब्लॉक ए को क्या कर दिया, पीले रंग से रंग दिया। सभी बच्चों को अपनी वर्कशीट में इस तरीके से ही रंगना है। ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, सिर्फ इतना ही करना और कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए आपको अब देखिए थोड़ा सा आपको इसमें मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक कुछ नहीं, 3, 4 और 5। तो हमें ब्लॉक ए को कैसे रंग से रंगना था, पीले रंग से रंगना था। देखिए आपका पीले रंग से हमने ब्लॉक ए को रंग दिया। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, जब -369 को 9 से भाग करते हैं तो क्या आएगा आंसर। -369 में माइनस वो प्लस 9 से भाग करते हैं तो 9 चौके 36 और 9 एक 9, लेकिन कैसा आएगा, -41। कैसा आंसर आएगा, -41। अब देखिए -41 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में +41 है, लेकिन डी में क्या है, -41। तो -41 को कैसे रंग से रंगना, उस ब्लॉक को लाल रंग से। तो देखिए अब हमें कैसे रंग से रंगना है, लाल रंग से ब्लॉक नंबर 2 को हमें क्या करना है, रंगना है। आपको चित्र बनाने के बाद इस तरीके से रंगना है और बिल्कुल इसका कोई आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा बच्चों। ब्लॉक नंबर 2 को हमने क्या किया, लाल रंग से रंग दिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि -30 में जब 10 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, -10। कितना आएगा, -10। अब देखिए -10 किस में है, -10 आपके ब्लॉक नंबर या ऑप्शन नंबर एफ। तो ये इस ब्लॉक को किस रंग से रंगना है, गुलाबी रंग से। किस रंग से रंगना है, गुलाबी रंग से। अब देखिए अब इसमें गुलाबी रंग कहाँ है, हम इसको ले लेते हैं गुलाबी रंग। -3 को हमने किस से रंग दिया, गुलाबी रंग से रंग दिया। ब्लॉक नंबर 3 को किससे रंग दिया बच्चों, गुलाबी रंग से। तो ये देखिए आपका। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि -100 को मैं जब 10 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, -10। -10 जब आपका आंसर आएगा तो -10 में किस रंग से रंगना है, ऑप्शन नंबर एफ, फिर से गुलाबी रंग से रंगना है। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी कैसे रंग से रंग दिया हमने, गुलाबी रंग से रंग दिया। अब देखिए 3 और 4 एक जैसे रंग से रंग गए तो इनमें हम कुछ अंतर करने के लिए बीच में इस लाइन को क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से अलग कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था और ये आपका क्या था, फोर्थ था। अब देखिए आपको ऑप्शन नंबर अब 5 में क्या दिया गया है, जब 68 में -17 से भाग करते हैं तो 17 चौको 68, तो -4 आंसर आएगा। अब देखिए -4 में आपको क्या दिया गया है, -4 में आपको दिया गया है भूरे रंग से रंगना है। कैसे रंग से रंगना है बच्चों, भूरे रंग से। अब देखिए इसमें भूरा रंग कौन सा है, अब इसमें हमें भूरा रंग कोई सा नहीं मिल रहा, तो सपोज हम इसी को ले लेते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हो गए। आपको क्वेश्चन सिर्फ ये दिया गया था, कौन सा क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर ये दिया गया था, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इन 5ों क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के रूप में आपको इस त्रिभुज को रंगना था। आपका जो आंसर आएगा उसके सामने आपको एक ऑप्शन में क्या दिया गया है कि जैसे 5 आंसर आने पर पीले रंग से, -5 आने पर लाल रंग से, 41 आने पर नीले, -41 लाल, इसी तरीके से इधर भी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना था, इस तरीके से आपको सभी को अपनी वर्कशीट या डायरी में एक चित्र बनाने के बाद सभी बच्चों को इस तरीके से रंगना है। ओके बच्चों।
ठीक है बच्चे, ओके। अभी तक वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चे लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे और मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके।